एडोसिस विच इज करेक्टराइज्ड बाय द क्रोनिक पर्ट्यूसिस इंट्रासेल्युलर एडिमा इंट्रासेल्युलर एडिमा इंट्रासेल्युलर एडिमा इंट्रासेल्युलर एडिमा की एटियोलॉजी देखेंगे हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट विद द एलर्जी. वेलकम टू नर्सिंग विला. मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक्जिमा, जो कि हमारा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम यानी कि यूनिट 10 का टॉपिक नंबर 7 है एक्जिमा. एक्जिमा में हम देखेंगे डेफिनेशन. इट इज़ अ हाई पट्यूटिव क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर. इट इज़ अ टाइप ऑफ ईचिंग डर्मेटोसिस विच इज करेक्टराइज्ड बाय द क्रॉनिक पट्यूसिस इंट्रासेल्युलर एडिमा इंट्रासेल्युलर एडिमा इंट्रासेल्युलर एडिमा इंट्रासेल्युलर एडिमा की एटियोलॉजी देखेंगे हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट विद द एलर्जेंस एग्जाम्पल एसिड अल्कलाई पेनिसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन लिपस्टिक. ओके, अगर हम किसी की लिपस्टिक यूज़ कर लेते हैं या कई तरह की लो क्वालिटी की लिपस्टिक आती है तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है. नेल वर्निश हेयर फ्लावर्स पॉलन जो फ्लावर्स होते हैं उनके पॉलन की वजह से भी होती है ये कंडीशन. अदर कॉजेज हैं इसके हेरिडेटरी फूड एलर्जीज एग्जांपल पीनट एग मिल्क वीट ट्री नट्स. साइन एंड सिम्टम्स क्या होगा? एरिथ्रेमिया इंटेंस इचिंग वेसिकल्स और पेपल्स फॉर्मेशन व्हिपिंग स्किन क्रस्टिंग. मेडिकल मैनेजमेंट में क्या आता है? टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी एग्जाम्पल टेरिमिकलोमा बिथामेटाजोन अदर ड्रग्स स्टीरॉइड्स एग्जाम्पल बीटा मेथासोन प्रिडिसलोन एंटीबायोटिक्स एग्जाम्पल सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटी हिस्टामाइन लिफोसिट्राजिन. नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे? इम्पेयर स्किन इंटीग्रेटेड रिलेटेड टू स्क्रैचिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस प्रिवेंट ड्राई स्किन सब एक्यूट एंड क्रॉनिक स्टेजेस अवॉइड हॉट वाटर एंड हर्श शॉप अवॉइड अप्लाइज एग्जाम्पल लुब्री लुब्रीडम विद इन 3 मिनट्स ऑफ बाथिंग वन स्किन इज स्लाइटली रिलेटेड टू दिस प्रोसेस रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन ऑफ द स्किन. सो देर इज ऑल टॉपिक्स वी विल डिस्कस्ड एंड वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.